जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में अपन एक बार फिर से बात करेंगे MIA1 के मार्च महीने के सिक्योरिटी पैच अपडेट के बारे में। दोस्तों जी हाँ दोस्तों, MIA1 के लिए मार्च महीने का सिक्योरिटी पैच अपडेट मिल चुका है। और दोस्तों कैसे आप इसको अपडेट कर सकते हैं और क्या क्या चेंजेस देखने को मिले हैं वही बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर, तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है देसी गुरु जी चैनल में। अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे वीडियो आपके लिए लाता रहता हूं। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। और सबसे पहले मैं दोस्तों आपको बता देना चाहता हूं, अगर आपको मार्च महीने के सिक्योरिटी पेज अपडेट का नोटिफिकेशन नहीं मिला है अपने MIA1 डिवाइस के अंदर, तो दोस्तों आप मैन्युअली सेटिंग के अंदर जाके, अपडेट के अंदर जाके अपने MIA1 के अंदर मार्च महीने का सिक्योरिटी पेज अपडेट कर सकते हैं। दोस्तों ये जो अपडेट आपको देखने को मिला है दोस्तों, वो 348 MB का देखने को मिला है। दोस्तों अब देखने वाली बात ये होगी दोस्तों, इस अपडेट के साथ साथ अपने को कौन सी बग्स सोल्व हुई है, क्या क्या प्रॉब्लम सोल्व करी है MI ने अपने MIA1 डिवाइस के अंदर दोस्तों। और दोस्तों आपको इस अपडेट के बाद क्या क्या चेंजेस देखने को मिलता है आप मुझे कॉमेंट में ज़रूर बताएं। और दोस्तों बाकी क्या क्या चेंजेस मुझे देखने को मिलते हैं वो मैं आपके लिए वीडियो जरूर से बनाकर लेके आऊंगा अपने चैनल के ऊपर, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो पर नया आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे वीडियो आपके लिए लाता रहता हूं। थैंक यू, कीप सपोर्ट, कीप लव, हैव अ गुड डे।